3 घंटे मुर्गा बना कर रखा है, मुर्गा भी बना दिया। हाँ हाँ, 3 घंटे मुर्गा बनाया, 3 घंटे मुर्गा बनाया था उन्होंने मुझे। हाँ, और मेरा घर था, और मेरा घर था रोटी साग रस्सी परात वरात सब, और मेरा बैंगन भी ले गए। शेख साहब आप चिंता ना करें, आपके अगर वीरू बदमाश मिल गया तो उसकी मुर्गी मैं बना दूंगा। हाँ मुर्गी बना देंगे, मैं था पहले भी रिपोर्ट लिखवाना आया, तुमने पहले भी पैसे भगा दिया, तुम्हारे कुछ बस की नहीं है। और बैठे बैठे का तुम चिंता मत करो, और वो साला हमारे मुंह को पीट के हमारा मुर्गा बना जा। शेख साहब एक बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, अगर रुखसाना मिल जाती घर में इसकी मुर्गी बना जाता होता। आप शेख साहब चिंता ना करें, सारे इलाके की पुलिस छानती फिर रही है उसे, जिस दिन मिल गया उस दिन अंदर डाल दूंगा साले को। साले तूने तो मुझे डरा दिया। चाचा तुम एक बात बताओ, तुम्हें खाला ने मारा क्यों? तेरी खाला नहीं थी वो, तो बहुत खतरनाक औरत थी, साली लादन की फूफी, साली ने मेरी रीवी सी धुन दी। चाचा मेले का क्या होगा? उबा गजनी, उबा मेरा तो मेला उस औरत ने निकाल दिया साली ने। अब तू ऐसे कर घर को चल। चाचा तुम घर चलो, मैं जरा मेले में घूम कर आऊं। उबा अब तू ऐसे कर घर चल, कहीं मेला वेला नहीं है, मैं तो वैसे कह रहा था। मगर मेरे गजनी तुम घर जाकर अपनी चाची से मत बतलाना। चाचा मुझे पता है कहीं मेला वेला नहीं है, अब तुम मेरा मेला देखना। हैं ठीक है, जा चला जा सारे, अपने चक्कर में मुझे भी तुड़वा दिया तूने। मर गया एक चिल्ली, मर गया निकल ले या कब बगल मेरी जान को जन कहा लग गया। साली बदतमीज, साली कब बगल, साली साली ने मुझे मारा, साली साली देख लूंगा मेरा नाम से एक चिल्ली है। अरे रुखसाना देखिए उसे क्या हुआ, क्यों मार रहा है? मारा साली ने खटाखट मारा, साली ने मुझे खटाखट मारा। क्या हुआ शेख जी, किसने मारा तुम्हें खटाखट, क्या हुआ मेले में? मेले में हाँ हाँ, रुक जाना वो मेरे में साली ने वो घोड़ी ने लात मारी साली ने, साली खटाखट लात मारी साली, घोड़ी ने लात मारी। और गजनी कहाँ है? वो तो ठीक है, वो तो बच गया अम्मी, उसने तो मेला देखा ही नहीं, बस मेला तो मैंने ही देखा अम्मी। मगर वो कहाँ है, इस हालत में उसे कहाँ छोड़ी आए? मैं वो कह रहा था चाचा तुम चलो घर और मैं मेले में घूम के आता हूँ। अरे चल, जहाँ जहाँ इसके घोड़ी ने लात मारी है ना, इसके दवाई लगा दे। जी अम्मी। कमबख्त मारे तो उसके पीछे गया क्यों था? पीछे नहीं अम्मी, साली ने अगली टांग मारी। जी अम्मी मर गया अम्मी। अगली क्या बकराई हो, चल जा इसके दवाई लगा दे। ठीक है अम्मी। साली ने मारी तो सिर में टांग दर्द हो रहा। शेख जी दवाई लगा दो। साली ने बहुत तगड़ी लात मारी, साली ने दवाई बढ़िया सी लगाई है। लगा दे दर्द कर रही है, तू भी खसर कर रही है। शेख जी क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घोड़ी ने लात क्यों मारी? हैं क्यों मारी, बताइए क्यों मारी, तुझे पता? इसलिए मारी कि तुम्हारे मन में चोर था मुझे मेले में ना ले जाने का। अच्छा इसीलिए तुम्हारे घोड़ी ने लात मारी, अगर मैं होती तो घोड़ी तुम्हारे लात ना मारती। रुखसाना तू ठीक कह रही है, अगर तू मेरा साथ होती तो वो घड़ी लात नहीं मारती साली। हाँ अब ऐसा करूंगा, अब तू जरा अम्मी को ले जा करूंगा मेले में। ओ तेरी तो जूते उठा रहा है साले, जूते चोरी करता है। ना तो हर रोज जूते चोरी होते हैं, साला यही करता होगा। ए भाई रोज तू जूते उठाता है? अजी उठते होंगे, मैं
मैं तो आज उठाना आया हूँ अपने चाचा के कहने से। पता रोज उठाते हैं, उनका तो बिजनेस है, वो तो मुझे सिखा रहे हैं। चाचा सिखा रहा, बिजनेस है उनका, कौन है वो साला बदतमीज। अबे गाली मत दे चाचा को वरना। अबे वरना क्या, क्या कर लेगा तू, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सुन बे, अरे किसका है तू? अबे ओ, मैं शेख चिंदी का भतीजा हूँ। क्या सबकी नानी मर गई शेख चिल्ली का नाम सुनता ही, अब बोलो। अबे हमारी नानी क्यों मरेगी, नानी मरेगी उसकी, साले को आज घर में घुस के मारेंगे, वहीं चल रहे हैं। मारोगे कहानी घर में मिले ना मिले। अबे क्यों नहीं मिलेगा वो, जो हमने जूते चप्पल चुराए हैं ना, उन्हें आज लाल किले में बेचने गए हैं, क्योंकि आज संडे है। बाजार में बेचती हो तुम, और क्या खाने की चीज है वो, उनका क्या करेंगे हम। भाई मेरी सहमति घर चलो वही बात करेंगे, बात करेंगे बाद में, साले को पहले पीटेंगे। उठा खा ले इसको, चलो इधर लेके चल जल्दी। शेख जी पहले से कुछ आराम है दर्द में? बार रुकजाना, घोड़ी ना जमा जमा के लात मारी वरना दर्द कम होता। शेख जी अब आप मेरे बगैर मत जाना। ठीक है नहीं जाने का हूँ। शेख चिल्ली साले कमीन के बच्चा बाहर निकल, निकल रहा ना निकल रहा। मैं कौन है, मैं कौन चिल्ला रहा तभी सवाल, मैं दरवाजा खुल रहा तेरा बाप का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मारो साले, आ जाओ साले, जूते चोरी करता है। मार साले, मार और जोर से मार, मार मार साले को, मार मुंह में मार इसके। अब करेगा चोरी, अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये तो वैसी घोड़ी ने तोड़ फोड़ के डाल रखे हैं। शर्म तो ईसा नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद में से जूते जरूर आता है बच्चों से। और हाँ जूते बाजार में बेचता है, तुझे शर्म नहीं आती साले, चोरी की खा रहा। मैंने कब चुरवाया जूते, कब मंगाता साले, ये भी चोरी की होंगी। भाई ऐसा मेरी अपनी, हाँ चोरी की होंगी, 35 रुपए खरीद कर आया हूँ। मैं कौन कर रहा तुमसे, मैं क्या चुरवाता, कौन कर रहा साला। इनके बच्चे तेरा बाप कर रहा है सब कुछ। बोल बे बोल, भाई मेरा बाप क्यों होता, गज नहीं आयु। भाई बोल क्या कह रहे हैं ये, क्या ये लोग सच कह रहे हैं, बोल जल्दी बोल। चाचा जब तुम चुरवा चुरवा के लाल किले में बेचते थे तब तो कुछ ना कहते थे, अब पकड़े गए तो बोल रहे हो क्या। मैं कम मगा दिया क्या कह रही है तू, रुखसाना जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूँ। ये ठीक कह रहा, इस बोरी में जितने भी जूते चप्पल है ना सब चोरी के, दिखा मैं दिखा, छोड़ छोड़ दे, पलट यहाँ पलट यहाँ पलट, देख अपने बाप की करतूत। भाई जान मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, आज के बाद कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। भर ले चली ना सारियों को, भर ले भाई भर ले, कोई छोड़ मत दियो। इसे भर। मगज मेरी भी ले गए, कम मगज अगर तू ऐसा कर्म ना करता तो मेरी जूती न जाती। इधर इधर साले, इधर कम मगज, इधर इधर साले, करेगा चोरी, छोड़ दो, ना बदनाम करेगा, ना बदनाम करेगा, अब्बू का नाम बदनाम करेगा, जैसे लिखा ना बदनाम करेगा, छोड़ जान से मार दो, छोड़ जान से मार दो, साले जान से मार दो, ना ऐसा कर्म करता अब ना मेरी पिटाई होती, मेरी जूती नाम गंदा कर दिया, अब्दू का नाम गंदा कर दिया, जलालुद्दीन का नाम गंदा कर दिया, शेख चिल्ली का नाम गंदा कर दिया, जा जा चला जा, ऐसा जा सिकल मत दिखा दे, कम मगर जा चला जा, निकल जा, मेरे घर निकल जा, चार सवार का शेख चिल्ली का नाम गंदा कर दिया। शेख जी तुम लेट जाओ, अभी दवाई बहुत सारी है। हाँ बहुत सारी है, सारी तुम्हें पिटवा रहे चक्कर में, मेरे लगाने के लिए ये दवाई, सारी लो कह रही है दवाई बहुत सारी है। मर गया, मर गया, मर गया। सालों ने मुझे बहुत मारा, सालों ने मुझे गधा समझ रखा, क्या समझ रखा मुझे।
मैं दवाई लगा रही है, कसर कसर कर रही है। चुपचाप लेट रहो, लगा तो रही हूँ। मैं कैसे कैसे लगा रही है? चुप लेटे रहो। पकड़ रही है साली। अबे शेख चिल्ली घर पे है क्या? शेख चिल्ली आई? ओए रुक साला, ओए कौन है दरवाजे पे? शेख जी मुझे तो अनजानी सी आवाज लगे, कहीं वो नई मुसीबत लेकर ना आ गया हो। ओए रुक साला, इससे भी ज्यादा क्या मुसीबत आएगी? ओए भाई जान अंदर आ जाओ। अबे ये गा रिया या रो रिया? पर जो भी हो लाला जी, ये तुम्हें बुला रिया है। जो भी हो आ जाओ भैया। भाई ये पहला कर्जदार है जो गा गा के बुला रिया। चलो तो लाला जी अंदर चल रहे हैं। चला चलो। आ बेटा। चलो लाला जी। हैं? शेख चिल्ली कहाँ है? ये तो सो रहे हैं। ये सो रहा? अभी तो ये गाना गा रहा था और मुझे बुला रहा था, जो भी हो अंदर आ जाओ। और अब इसने शकल ढक ली मुझे देखते ही। ले उघाड़ ली हमने शकल, तू का धार ले। ना बेटे, मैं धार क्यों लूं? मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ। पैसे? पैसे कैसे पैसे? मैं नई नई सिकल क्या हुआ है? तू है कौन? वाह बेटे वाह, तू लाला कमीनचंद को नहीं जानता? मैं तो कमीनचंद हूँ या हमीनचंद हूँ, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर तू बाहर चल, क्या मतलब है तेरा? तुम्हें मतलब नहीं है? क्यों बेटा? जी लाला मुझे जी। तो मतलब है जी। मुझे तो मतलब है अपने पैसों से, जो मैं आज तुझसे लेने आया हूँ। वह कौन से पैसे मांग रहा? कुछ दे के भूल गया? ना बेटा ना, मैं देके क्यों भूल जाऊं? मुझे तो सब पैसे याद हैं जो तुमसे आज लेने आया हूं। बलाला लगता तेरा दिमाग खराब हो गया, बार बार पैसे का जिक्र कर रहा। मैं तो तेरी दुकान में गया ही नहीं हूं। पैसे किस चीज के मांग रहा? राशन के, जो तू टकार गया है, पूरे 5,555 रुपए 55 पैसे। 55 रुपए 55 पैसे? बता हिसाब, बता बता हिसाब, बता। जी लाला जी अभी बता इसको। बतलाएगा? हाँ जी लाला जी, 50 किलो तो चीनी है। रुक जा। 50 किलो चीनी? बोले कान खोल के। हाँ, 100 किलो आटा है। हाँ, 100 किलो आटा। हाँ, 20 किलो घी है और 20 किलो तेल है। 25 नहाने की साबुन है और 25 ही कपड़ा धोने की है। बराबर बराबर। हाँ, 5 किलो चने और 5 किलो मसूर की दाल, 5 किलो उड़द की है। और जी लाला जी, 2 किलो धनिया भी है, 2 किलो हल्दी और 2 किलो मिर्च है और 2 पैकेट नमक के हैं। सारा हिसाब जोड़ के पूरे 5,555 रुपए 55 पैसे निकलने लाला जी। हो गए बेटे। हाँ हाँ बेटे, एक बात भी लाला जी, तेरी दुकान पे कुछ बचाया सारा हमारे घर को भेज दिया। जो तूने मंगाया वो मैंने भेज दिया। अबे 100 किलो आटे की औलाद, तेरी दुकान तक अभी 100 ग्राम आटा तो लाया नहीं और फल तो पहाड़े बता रहा 55 रुपए 55 पैसे। सारे निकल जाने, शकल बिगाड़ दूंगा, एक भी चश्मा तार दूंगा, अभी दे दूंगा 55 पैसे से भी। बेटे शेख चिल्ली, मेरे लाल, मेरे पूत, अगर तू राशन नहीं लाया तो क्या हुआ? तेरा बाप गजनी तो लाया है, जो कह रहा था कि पैसे शेख चिल्ली चाचा देंगे। सालो खा के मुकर रहे हो, अब तू सीधे सीधे पैसे दे दे वरना लठ भजवा दूंगा। रुखसाना, ये साला गजनी मुझे कितना पिटवाएगा? तू एक बात बतला, इतना राशन तूने मंगाया या अम्मी ने? ये शेख जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये गजनी कभी घर में छटाक भर तो आटा लाया नहीं है, ये लाला झूठ बोल रहा है। अच्छा बेटे, मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम दोनों सच बोल रहे हो? मेरा राशन खा के अब तुम सीधे सीधे पैसे दे दो। अगर मैं देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। आराम की दौलत है किसी घर में, दीदी का मांग ले। ऐसे नहीं देगा तू। शेखू कौन है ये? अम्मी ये हुआ कमीना। कमीना नहीं, कमीन चंद, लाला कमीन चंद। हाँ हाँ एक ही बात है सुन ली, कमीन चंद। अम्मी ये वो फल है जिसका बीज तूने बोया उस गजनी को घर पे लाकर। तुझे बता किसकी दुकान से वो कमीना 5,000 रुपए का राशन लेके पता ना कहाँ डाली आया।
5,000 रुपए का नहीं बेटे, 5,555 रुपए 55 पैसे। ओए लाला मेरी बात सुन ले, 5,555 को मार गोली, हमारे यहाँ तो 55 पैसे का भी सौदा ना आया। अब तू यहाँ से निकल ले वरना तेरा नक्शा बिगाड़ दूंगी। हाँ बिगाड़ दे, अभी बिगाड़ साले का नक्शा बिगाड़ दे इसका, बहुत मजेदार हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग शराफत से पैसे नहीं दो। हाँ हाँ हाँ, हम शराफत से देते नहीं है, ये तुम्हारा खानदानी पैसा, हमारे अबू ने आज तक शराफत से नहीं दिए। अच्छा शराफत से नहीं देते तो मैं जलालत से लेना जानता हूँ। बेटा जरा बजा इस पे लठ। हेलो लाला जी, ए? तुम कौन हो जो हमें रोक रही हो? शेख चिल्ली को मानने की जरूरत ना लाला, तुम्हारे पैसे हम देंगे। ठीक है पैसे तुम दो या शेख चिल्ली दे, मुझे तो पैसों से मतलब है। वाह हसीना तू, वाह हम कौन सी नई मुसीबत खड़ी।